एक तरफ जहां सरकार के आदेशों पर पुलिस प्रशासन शराब नहीं पीने के लिए शपथ ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब बिकवाने की शपथ तोड़ रहे हैं, जो कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी बड़े ही पैमाने से शराब की बिक्री चरम पर है। प्रतिदिन शराब तस्कर देसी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं। फिर एक कैसी शराबबंदी कानून लागू है जहां बड़े ही पैमाने से शराब की तस्करी और होम डिलीवरी हो रही है। फिर ये पुलिस प्रशासन जो शपथ ग्रहण किया है उससे क्या साबित हो रहा है। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के पुलिस प्रशासन ने मद निदेश की दिवस पर शराब नहीं पीने की शपथ खाई, जिससे शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, यही संदेश देना चाहते हैं। लेकिन वहीं काफी धल्लड़ से देशी विदेशी शराबों की तस्करी और होम डिलीवरी हो रही है, इसके लिए यह पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती, जबकि इनके आंखों तले खूब शो शराब बेचा जा रहा है। वहीं सीपीआई के एक नेता ने पुलिस प्रशासन के शपथ ग्रहण पर सवाल उठाया, इसके लिए यह पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती जबकि इनके आंखों तले खूब शराब बेचा जाता है। वहीं सीपीआई के एक नेता ने पुलिस प्रशासन की शपथ ग्रहण पर सवाल उठाया है और उन्होंने क्या बताया है वो जरा आप भी सुन लीजिए। बिहार में वर्दीधारी पुलिस लोगों को शराब पीने की शपथ दिलाया जाता है, तो वहीं पुलिस के सहयोग से पूरे बिहार में हर जगह हर माध्यम से रेल बस या विभिन्न माध्यम से शराबों को खुलेआम तस्करी कराया जाता है और तस्कर शराब तस्करों को संरक्षण दिया जाता है। इसके लिए पुलिस को पूरी छूट मिली हुई है। यह शपथ दिलाना यह एक ड्रामा है और वर्दी के आड़ में अपराध को फलने फूलने की पूरी छूट मिला हुआ है। हत्या, डकैती, राहजनी, शराब की तस्करी, अन्य प्रकारों की तस्करी जारी है। हम इस शपथ ग्रहण समारोह को नाटक साबित करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि सिर्फ शराब पीने के ही शपथ नहीं दिलाया जाए, अपराध पर रोक लगाने के लिए शराब बेचने के लिए शराब बेचवाने के लिए भी शपथ होनी चाहिए।